बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम, होप यू आर फाइन। इन कंटिन्यूएशन टू पार्ट्स ऑफ स्पीच, टुडे वी विल स्टडी अबाउट वर्ब्स एंड इट्स काइंड्स। सो लेट्स सी इट्स व्हाट इज अबाउट आवर फर्स्ट स्लाइड। Verb. Verb is a word that tells something about a person or thing, and it is the most important word in a sentence. As you know, verb is a very important pillar, very important word, very important part of any sentence, which means an action. Verb means an action which is taken by an subject. Word is very important pillar of a sentence. We see its three kinds here. A verb may tell us what a person or thing does. For example, Heather laughs, clock strikes. Number two, what is done to a person or thing, that is the window is broken. And number three, what a person or thing is, example is the cat is dead. Let's move on. The first one, what a person or thing does. वर्ब हमें बताता है एक शख्स या चीज के बारे में कि वो क्या कर रहा है उस वक्त, वो क्या करता है या क्या कर रहा है, उसके एक्शन बताता है। जैसे हैदर लाफ्स, हैदर हंसता है, अब वो हंसने की हालत में है। इसी तरह क्लॉक स्ट्राइक्स, जो घड़ी है वो आपको वक्त बताती है, तो ये हमें उसका एक्शन बता रहा है। तो इस तरह हमें नंबर टू पे जो है देखें, व्हाट इज डन टू अ पर्सन और थिंग, दूसरी हालत में हमें वर्ब क्या बताता है कि एक चीज या शख्स के साथ क्या हो चुका है, उसकी हालत क्या हो चुकी है, और वो हालत बता रहा है कि उसके साथ क्या हो चुका है। जैसे देखें, द विंडो इज ब्रोकन, अब विंडो की जो हालत है वो बताई जा रही है इसमें कि खिड़की जो है वो टूटी हुई है। इसी तरीके से हमारे पास थर्ड वन है, व्हाट अ पर्सन और थिंग, यहाँ पे हमें एक शख्स या चीज के बारे में बताया जाता है कि वो किस हालत में है। ऊपर हमने क्या पढ़ा था कि वो एक्शन में बताता है कि वो जो सब्जेक्ट है हमारे पास वो किस हालत में है। तो यहाँ पे क्या फर्क आ रहा है कि पर्सन और थिंग के बारे में बताया जा रहा है, वो इस वक्त उसकी क्या कंडीशन है। द कैट इज डेड, यानी कि बिल्ली जो है वो मरी हुई है। तो यहाँ पे हमें ये हालत, तो क्या जाहिर हुआ, वर्ब क्या है, जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड है किसी भी सेंटेंस का, जो हमें किसी भी एक्शन के बारे में बताता है, जो एक सब्जेक्ट लेता है। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। हियर वी सी फ्यू काइंड्स ऑफ वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब्स, इंट्रांजिटिव वर्ब्स, फर्दर bifurcate into two subheading. The first one, direct object. First one, direct object, and the second one, indirect object. Next kind we have infinitive verbs, linking verbs, strong and weak verbs, irregular verbs, and the last one is auxiliaries or helping verbs. Let's start with transitive verbs. Transitive verbs means verbs which have an object are called transitive verbs. आप sentences में देखते हैं, जिन sentences में आप object आपको नजर आएगा, object किसी भी sentence के साथ, अभी example में हम देखेंगे, पढ़ेंगे इसको, तो वो जो है वो हमारे कौन से verbs कहलाएंगे, transitive verbs कहलाएंगे। In other words, these are sentences which can be converted into passive forms. आप
यूं कह लें कि ये वो वर्ब होते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब, कि जिनके आप पैसिव वाइज बना सकते हैं, पैसिव में कन्वर्ट कर सकते हैं आप इनको, क्यों, ऑब्जेक्ट के साथ, जब ऑब्जेक्ट होगा तो वो उसका आप पैसिव में कन्वर्ट कर सकेंगे। तो ऐसे वर्ब्स जिनके ऑब्जेक्ट साथ हों तो वो कौन से कहलाते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, लेट्स सी इट्स एग्जाम्पल्स। नंबर वन, अली अरेंज्ड द फ्लावर्स। Here you see the flowers is an object of a sentence. When you convert it into passive, you write it the flowers are arranged by Ali. तो आप यहाँ देख रहे हैं कि इसका passive जो है वो possible है, passive आप बना सकते हैं। तो जिसका पैसिव आप बना सकते हो वो कौन से कहलाते हैं, वर्ब्स, ट्रांजिटिव वर्ब्स। दूसरे में आप देखें, ही इज बीटिंग द बॉय। द बॉय आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। ही आपका सब्जेक्ट है, इज जो है आपका हेल्पिंग वर्ब है, और बीट जो है आपका मेन वर्ब। तो ये भी पॉसिबल है कि आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, पैसिव में। तो जो भी आप इसकी, यू कैन से इन अदर वर्ड्स दैट कि जो कन्वर्ट हो जाए पैसिव फॉर्म में तो वो आपके कौन से वर्ब्स कहलाते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब्स कहलाते हैं। किस बाद आप देख लेते हैं, ही रीड्स मैनी बुक्स, फिर आई रोट अ बुक लास्ट ईयर। हेयर यू सी द बॉय इज योर ऑब्जेक्ट and a book an object, many books an object. These are the sentences which can easily be converted into passive forms. So students, I hope you may understand it, transitive verbs. Let's move on to our next slide, which is about intransitive verbs. Intransitive verbs just an opposite form of transitive verbs. Here you see, let's start with its definition. Verbs which do not have an object is called intransitive verbs. In other words, you can say the sentences which can which cannot be converted into passive form are called intransitive verbs. Here you see, Majid arrived yesterday, or I get up early in the morning. Here you see, you can't find any object with the sentences, both of sentences here. I get up early in the morning. These are get up early in the morning are the predicates, but here we you see no object here. Further, we have two more sub kinds of intransitive verbs, which is direct object, and the second one is indirect object. The direct object, the object given to the recipient is the direct object. Later we will clear it very soon. Indirect object is the recipient himself is the indirect object. Here we see its example. He wrote me a letter last week. Here letter is a direct object, while me is an indirect object and also a recipient. Here you see, यहाँ आप देखते हैं कि he wrote me a letter last week. आप देखते हैं कि यहाँ पे जो letter है वो आपका direct object है, ठीक है। अब यहाँ मैंने क्या बताया आपको, जो object given to the recipient, जो recipient रिसीव करने वाला है वो direct उसको जो आप वो वसूल करे तो वो direct object कहलाता है। अब यहाँ पे हमारे पास जो
लेटर है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, अब मी जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। या मी में पढ़ लेते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या कह रहा है वो, द रिसिएंट हिमसेल्फ इज द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट सॉरी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो रिसिएंट है, वसूल कुनंदा, वसूल करने वाला वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। वो कौन है इस हमारे इस सेंटेंस में, वो है मी, ठीक है, तो वो आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इसी तरीके से आप देखें, अहमद गेव हर मदर आ कार्ड, अभी हमने ऊपर मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे जो आ कार्ड है वो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और हर मदर जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो इसी तरीके से ये आपके डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला आपको ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्लियर हो गया होगा। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड विच इज अबाउट इन्फिनिटिव वर्ब्स। इन्फिनिटिव वर्ब्स, व्हाट इज इन्फिनिटिव वर्ब्स, व्हेन वी यूज द प्रेपोजिशन टू बिफोर अ वर्ब इट बिकम्स इन्फिनिटिव एंड इट कुड बी एंड इट कुड ओनली बी यूज इन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। इन्फिनिटिव का मतलब होता है लामहदूद, ठीक है, तो जिस जब वो कह रहा है कि जिसके साथ आप टू लगा देते हो बिफोर अ वर्ब, जिस वर्ब किससे पहले आप टू लगा देते हो तो वो जो वर्ब है वो लामहदूद हो जाता है, इन्फिनिटिव हो जाता है। इट कुड ओनली बी यूज इन फर्स्ट फॉर्म। लेकिन इसमें दूसरा ख्याल आपने क्या करना है कि ये हमेशा जो है पहली फॉर्म में इस्तेमाल होता है। जहाँ पे भी टू आ जाएगा, किसी भी फॉर्म के साथ टू आ जाएगा तो वो फर्स्ट फॉर्म में यूज होगा और वो लामहदूद कहलाएगी, वो उसका आप उसकी हद नहीं होगी। इन्फिनिटिव्स आर नॉट मेन वर्ब्स एंड ऑल्सो दे डू नॉट एक्ट एज वर्ब्स। अब देखिए वो क्या कह रहा है कि इन्फिनिटिव्स वर्ब जो होते हैं वो मेन वर्ब नहीं होते, उनके साथ वो टू लगा हुआ होगा लेकिन वो वर्ब यूज हो रहे होंगे लेकिन वो मेन वर्ब के तौर पर आप उसको यूज नहीं करेंगे, वो ना ही मेन वर्ब के तौर पर वो यूज़ होते हैं। तो और वो उसमें जो उनका किरदार होता है किसी भी सेंटेंस में वो मेन वर्ब का नहीं होता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, आई एम गोइंग टू ब्रिंग सम वेजिटेबल्स। अब देखें गौर से, यहाँ पे गोइंग जो है हमारा मेन वर्ब है, गोइंग, गो वेंट गॉन इसकी फॉर्म बनाते हैं हम, तो ये हमारा मेन वर्ब है। अब ब्रिंग जो ब्रिंग ब्रॉड ब्रॉड इसकी भी फॉर्म बनती है लेकिन यहाँ पे टू लग गया है तो अब हमारा ये इन्फिनिटिव वर्ब्स है। तो ये आप इसको क्या कहते हैं कि भी ऊपर वाली जो दो कंडीशनों से देख लेते हैं कि टू लगा हुआ है, देखें आप गौर से, टू ऊपर हमने पढ़ा था तो टू लगा हुआ है और वो क्या कह रहा है कि इसके साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो ब्रॉट नहीं लिखा हुआ, ब्रिंग लिखा हुआ है, तो टू ब्रिंग तो हमेशा पहली फॉर्म आएगी और ये मेन वर्ब हमारा नहीं है। मेन वर्ब हमारा क्या है, गोइंग, गो है, ठीक है, तो ये हमारा मेन वर्ब है। और ये क्या कह रहा है कि इन्फिनिटिव्स आर नॉट द मेन वर्ब, ये मेन वर्ब नहीं है, मेन वर्ब हमारा गोइंग है। एंड ऑल्सो दे डू नॉट एक्ट एज वर्ब, और ये जो वर्ब के तौर पे यूज नहीं हो रहा है, ये गो जो है ये हमारा वर्ब के तौर पे यूज हो रहा है, ठीक है, गो। तो ये हमारा मेन वर्ब हो गया और ये टू ब्रिंग जो है हमारा एक इन्फिनिटिव वर्ब हो गया। इसी तरह वी आर गोइंग टू फिनिश आवर वर्क इन टाइम, अब गोइंग जो है हमारा वही मेन वर्ब है और ये हमारा इन्फिनिटिव वर्ब है और टू आप देख रहे हैं कि टू लगा हुआ है और फिनिश जो है हमारी फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है, हमेशा टू के साथ जब भी आ जाएगा तो पहली फॉर्म लगेगी, तो ये हमारा इन्फिनिटिव वर्ब हो गया। नेक्स्ट स्टूडेंट्स जो हमारे पास जो है वो है जेरंड। जेरंड में क्या है, जेरंड, व्हेन अ वर्ब ऑफ प्रेजेंट पार्टिसिपल इज यूज्ड एज अ नाउन इट इज जेरंड। क्या कह रहा है कि जब कभी भी वर्ब की प्रेजेंट पार्टिसिपल पहली फॉर्म जो है वो यूज होगी क्या, एज ए नाउन, नाउन के तौर पे जब वो यूज होगी तो वो क्या कहलाएगा, हमारा जेरंड कहलाएगा। तो इसकी एग्जांपल देखते हैं, आई लाइक ईटिंग, देखे दोनों की आप बना सकते हो फॉर्म बना सकते हो, लाइक लाइक्ड लाइक्ड और फिर ईट एट ईटन, दोनों की फॉर्म बनती है, दोनों वर्ब है हमारे पास। लेकिन आई लाइक ईटिंग वो क्या कह रहा है यहाँ पे, प्रेजेंट पार्टिसिपल में, ईटिंग हमारे पास प्रेजेंट पार्टिसिपल में आ रहा है और आई एन जी इसके साथ लगा हुआ है, तो मेन वर्ब हमारे पास असल में क्या है, लाइक है और ईटिंग जो है हमारे पास क्या है, यह है जेरंड। इसी तरह देखें, ही इज गुड इन सिंगिंग, ही इज गुड इन सिंगिंग। अब यहाँ पे आप देखें, इज जो है हमारा मेन वर्ब भी है और हेल्पिंग वर्ब भी है,
तो ये और जो सिंगिंग है ये हमारा एक जेरंड है क्योंकि आई एन जी इसके साथ लगा हुआ है। तो अब इस वाज वाज और हैड के साथ ये हमारे या बिन जो है हमारा ये थर्ड ये फॉर्म बन जाती है। इसी तरह सिंग सेंग संग हमारी इसकी भी फॉर्म बन जाती है। लेकिन चूंकि ये सिंगिंग आई एन जी लगेगा, आई एन जी प्रेजेंट पार्टिसिपेंट्स के साथ लगा हुआ होगा, तो ये इससे हमें क्या पता चलेगा कि ये हमारे पास जेरंड है। तो स्टूडेंट्स आई होप यू मे अंडरस्टैंड इट। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड विच इज अबाउट लिंकिंग वर्ब्स। व्हाट इज अ लिंकिंग वर्ब्स? लिंकिंग वर्ब्स हियर वी सी इट्स डेफिनेशन। सम वर्ब्स नीड एन एडजेक्टिव, एन एडवर्ब और अ प्रीपोजिशन टू कंप्लीट देयर मीनिंग्स, दे आर कॉल्ड लिंकिंग वर्ब्स। क्या कह रहा है वो? वो कह रहा है कि जनाब के कुछ वर्ब्स जो हैं वो उन्हें ज़रूरत होती है किसी एडजेक्टिव की या एडवर्ब की या किसी भी प्रेपोजिशन की, ताकि वो अपने मकसद को या अपने मतलब को जो उसका मीनिंग है वो पूरा कर सके। तो वो क्या हम वो ऐसे वर्ब्स हमें क्या वो कहलाएंगे लिंकिंग वर्ब्स। एग्जांपल देखते हैं, यहाँ देखें द कस्टमर्स आर। अब कस्टमर्स आर ये मीनिंग कंप्लीट नहीं दे रहा हमें जब तक हम इसके साथ कोई एडजेक्टिव या एडवर्ब या प्रेपोजिशन नहीं लगाएंगे, इसकी मीनिंग कंप्लीट नहीं हो रहे हैं। इसको कंप्लीट की हालत में देखें नीचे कि द कस्टमर्स आर, द कस्टमर्स आर हैप्पी। अब ये कंप्लीट फॉर्म में है, ठीक है। तो ये कंप्लीट, अब ये देखें कि इसके साथ हमने एक एडजेक्टिव लगा दिया तो वो उसका मीनिंग जो है वो कंप्लीट हो गया। अभी आप देखें कि अमजद इज फीलिंग, नेक्स्ट उसमें अमजद इज फीलिंग जो है वो हमारे पास क्या है, इनकम्प्लीट है। तो जब हम इसके नीचे देखें इसको कंप्लीट फॉर्म में, इसके साथ बेटर जो है एडजेक्टिव एक लग गया है अमजद इज फीलिंग बेटर, तो ये हमारे अब कंप्लीट सेंस दे रहा है। तो लिंकिंग वर्ब्स वो होते हैं कि जो कंप्लीट किसी भी सेंटेंस को कंप्लीट करते हों, उसके साथ कोई प्रेपोजिशन का इजाफा हो जाए, एडवर्ब का इजाफा हो जाए, एडजेक्टिव का इजाफा हो जाए, तो वो क्या होते हैं हमारे लिंकिंग वर्ब्स कहलाते हैं। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड व्हिच इज अबाउट स्ट्रांग एंड वीक वर्ब्स। व्हाट इज स्ट्रांग एंड वीक वर्ब्स? हियर वी सी वर्ब्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज, स्ट्रांग एंड वीक। स्ट्रांग एंड वीक वर्ब्स डिफर इन द मैनर ऑफ व्हिच दे फॉर्म द पास्ट टेंस। मीन्स टू से वर्ब्स कैन बी डिवाइडेड। अब यहाँ पे वर्ब्स जो हैं वो दो मेन कैटेगरी में डिवाइड कर दिए गए हैं ताकि आसानी से इनको समझा जा सके वो कौन कौन से हैं, स्ट्रॉन्ग और वीक। अब स्ट्रॉन्ग और वीक वर्ब्स जो है डिफर इन द मैनर ऑफ विच दे फॉर्म द। अब ये स्ट्रॉन्ग, अब सवाल ये पैदा होता है कि कैसे पता चलेगा कि कौन से स्ट्रॉन्ग है और कौन से वीक जो हैं वर्ब्स हैं हमारे पास। तो यहाँ वो कह रहा है कि आपको स्ट्रॉन्ग और वीक वर्ब्स आपको इस तरह पता चलेगा कि इन द मैनर के तरीकेकार क्या है कि जब वो पास्ट टेंस बनाएंगे, जब उस वो पास्ट टेंस जैसे प्रेजेंट टेंस होता है इस तरह पास्ट होता है, फिर आप पास्ट परफेक्ट होता है, तो फॉर्म जब आप बनाते हो तो जब पास्ट टेंस होता है तो जब जिस तरह वो बनाएंगे तो उससे आपको पता चलेगा कि ये आपके स्ट्रॉन्ग हैं या वीक वर्ब्स हैं। Here the next the past form of strong verbs is made by changing one or more vowels. वो कह रहा है कि जो strong verbs हैं उसके साथ आप change करते हुए जब एक form है कोई लफ्ज़ है तो उसके साथ simple आप क्या करेंगे, कोई भी vowel एक या दो आप change करेंगे तो ऐसे जो जितने भी आपके word होते हैं वो क्या कहलाते हैं आपके strong verbs होते हैं वो। तो यहाँ पर देखें आप begin, अब एक वर्ड है आपके पास बिगिन, अब यहाँ पे आई जो है उसको बस सिर्फ चेंज किया उसने बिगेन और यहाँ बिगन, दोनों वावल हैं ये देखें, ए भी वावल है और यू भी वावल, तो ये आपके कौन से कहलाएंगे, ये आपके स्ट्रॉन्ग वर्ब्स कहलाएंगे। दूसरे में डू डिड डन है, अब ओ जो है आपका वावल है, इसी तरह आई जो है वो एक वावल है, तो
इसी तरह आपका डन जो है ये भी एक वावल है, सिर्फ वावल एक या दो वावल चेंज करने से क्या हो गया आपके स्ट्रॉन्ग वर्ब जो है वो फॉर्म उनकी बन गई। द पास्ट फॉर्म ऑफ वीक वर्ब्स इज मेड बाई एडिंग ई डी डी और टी टू देयर प्रेजेंट फॉर्म्स। हमने स्ट्रॉन्ग वर्ब्स में पढ़ा तो उसमें क्या हुआ कि वो वावल बस चेंज किया उसने, वावल चेंज करने के बाद यहाँ पे जब हम वीक वर्ब्स की बात करते हैं तो वो कह रहा है कि वीक वर्ब जो है उसके साथ इजाफा किस चीज़ का किया जाता है, सिंपल ईडी लगा दिया जाता है या डी लगा दिया जाता है या टी लगा दिया जाता है जो पहले उसकी फॉर्म है प्रेजेंट फॉर्म। जैसे देखें यहाँ पे वाक वाक्ड वाक्ड, देखें सॉरी यहाँ पे ये थोड़ा ये ईडी हटा लीजिएगा, वाक वाक्ड वाक्ड है ये टाइपिंग मिस्टेक है, तो ये वाक वाक्ड वाक्ड है तो इसमें क्या हुआ सिर्फ ईडी का इजाफा होगा, ईडी ईडी लगा दिया। और इसी तरह लर्न एल ई ए आर एन लर्न, और इसके बाद आप देखें सिर्फ टी का एडिशन की है, टी की एडिशन के साथ उसको उन्होंने कंप्लीट कर दिया, तो ये आपके वीक वर्ब्स होंगे। ऐसे वर्ब्स जिनके साथ सिर्फ ई डी का इजाफा हो, डी का इजाफा हो या टी का, यानी कि पूरी उसकी हालत चेंज ना हो, तो वो आपके वीक वर्ब्स कहलाते हैं। जबकि हमने स्ट्रॉन्ग वर्ब्स में क्या पढ़ा है कि वो उसके साउंड जो है वही चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे देखें बिगिन बिगेन बिगन फिर डू डिड डन, तो आपकी साउंड भी चेंज हो रही है साथ साथ, यहाँ पे आप ईडी का या टी का इजाफा कर रहे हैं तो उसकी साउंड में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो ये आपके वीक है और ये आपके स्ट्रॉन्ग है। सो स्टूडेंट लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड विच इज अबाउट इररेगुलर वर्ब्स। व्हाट इज एन इररेगुलर वर्ब्स? इररेगुलर वर्ब्स आर अनदर कैटेगरी ऑफ वर्ब्स, दे हैव नो पैटर्न परफॉर्मिंग पास्ट टेंस एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म्स। क्या कह रहा है वो कि इसमें जो ये इररेगुलर वर्ब्स होते हैं ये इसमें कोई किसी किस्म की सीक्वेंस नहीं हुआ नहीं मौजूद नहीं होता है, ये इररेगुलर वर्ब्स होते हैं, ये क्या करते हैं कि इनका कोई खास जो है पैटर्न नहीं होता है, ये पास्ट टेंस और जब पास्ट पार्टिसिपल बनाते हैं तो इनके पास कोई एक स्पेसिफिक जो है वो पैटर्न नहीं होता है। जैसे यहाँ पे देखें गो वेंट गॉन, अब वहाँ पीछे हमने पढ़ा था तो ईडी लगा रहा था साथ, यहाँ पे देखें चेंज हो रहा है गो वेंट गॉन ईट एट ईटन है सिंग सेंग संग, तो ऐसे वर्ब्स जो हैं वो आपके इररेगुलर वर्ब्स कहलाते हैं। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड विच इज अबाउट ऑक्सिलरीज और हेल्पिंग वर्ब्स। हियर यू वी सी ऑक्सिलरीज और हेल्पिंग वर्ब्स, एन ऑक्सिलरी वर्ब helps the main verb and is also called helping verb. पहली लाइन में क्या कह रहा है वो कि auxiliary verbs ये main verb नहीं होते हैं लेकिन ये help करते हैं, किसकी? main verb की help करते हैं, तो ये ऐसे verb क्या कहलाते हैं? auxiliary या helping verb कहलाते हैं। दूसरी लाइन में क्या कह रहा है वो? दूसरी लाइन में देखें आप auxiliary verbs are कौन कौन से हैं वो? be, done, sorry be, do, have, will, shall, would, should, can, could, may, might, must, ought, तो ये हमारे auxiliaries verb हैं। auxiliary verb जो है आपको जब आप sentence convert करते हैं passive form में या आप बनाते हैं continuous tense में जब बना रहे होते हैं तो ये helping verb जो है बहुत उसमें main किरदार अदा करते हैं, तो ये auxiliaries verb हैं। example इसकी है देखें I shall go, देखें main verb आपका go है लेकिन शेल जो है ये आपका हेल्पिंग वर्ब है। इसी तरह देखें ही विल कम, कम जो है कम केम कम तीन फॉर्म बनती है, इस तरह विल जो है ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है और ये आपका मेन वर्ब है। ही मे पास, फिर आगे देखें यू कैन स्विम, ये जो मैंने अंडरलाइन किए हैं ये आपके सारे क्या हैं? हेल्पिंग वर्ब है। तो इसी तरीके से आप देखें आई डू नॉट नो, फिर आई हैव कम, ही हैज गॉन, यू मस्ट गो, आई शुड गो, etc. तो ये auxiliaries और या आप helping verb कह लें, तो उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, देखते हैं ये किसके बारे में है। तो यहाँ पे हमारे पास पॉइंट्स आए थे जो आपको याद रखने हैं, बहुत ज़रूरी हैं। अगर वर्ब्स को आपने जो एक बहुत ही मेन किरदार अदा करता है किसी भी सेंटेंस को बनाने में, तो हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन से पॉइंट्स हमने जहन में रखने हैं। अब देखें पहला क्या है, इफ़ द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस
is plural, the verb should be plural. And if the subject is singular, the verb should be singular too. क्या कह रहा है कि subject जो file है, जो काम करने वाला है, doing person है, वो जो है, अगर वो plural form में होगा, तो आपका sentence जो है, वो भी plural form में होगा, और verb जो है आपका, वो भी plural form में होगा, और अगर subject वो singular है, तो आपका verb जो है, वो भी singular form में होगा. Next point. If the subject has two or more singular subjects joined by and, अब यह conjunction and है, अगर and आ जाए, अब देखें good subject, यानी जो doing person है, वो दो हो या दो से ज्यादा हो, तो फिर क्या होगा? तो फिर आपने क्या करना है? The verb should be plural. आपका जो verb है, वो फिर plural form में होगा. यहाँ पे आप देखें इसकी example, Ali and Amjad are in the class. अब अली भी ये आपका सब्जेक्ट है और अमजद भी सब्जेक्ट है. अब ये दो हो गए, तो यहाँ पे आप इज नहीं लगा सकते, आप आर लगाएंगे. अली एंड अमजद आर इन द क्लास. नेक्स्ट पॉइंट है कलेक्टिव नाउन्स. कलेक्टिव नाउन्स यूजली टेक सिंगुलर वर्ब्स. जो कलेक्टिव नाउन है, हमने पढ़ा था पीछे कि कलेक्टिव नाउन जो वो सिंगुलर के तौर पे वो वर्ब जो है ट्रीट किए जाते हैं. उनके साथ आप जब भी बनाएंगे कोई भी एक सेंटेंस बनाएंगे, तो उनके साथ आप सिंगुलर तौर पे आप उसको यूज करेंगे, और उसके साथ जो भी आप वर्ब यूज करेंगे सिंगुलर. आप देखें अ ग्रुप ऑफ बॉयज. अब यहाँ पे देखें एक ग्रुप आ रहा है, कलेक्टिव नाउन है, लेकिन वाज आ रहा है. यहाँ पे देखें वाज प्लेइंग क्रिकेट. आपके पास कौन सा हेल्पिंग वर्ब आ रहा है? यहाँ पे देखें वाज. तो ये सिंगुलर, आप इसको एज ए सिंगुलर यूज करेंगे. नेक्स्ट पॉइंट में है We use singular verbs with these words. अब ये जो मैं वर्ड नीचे जो लिखे हुए हैं, इनके साथ हम हमेशा कौन से वर्ब यूज करेंगे? सिंगुलर यूज करेंगे. अब देखें कौन कौन से हैं वो. Another, anybody, anyone, anything, everybody, every, neither, every, nobody, none, somebody, etc. Next point है हमारे पास when neither, nor, either, or. Are used with singular noun or pronouns. They go with singular verbs. क्या कह रहा है वो? Neither आ जाए या either आ जाए, इनके साथ आपने क्या करना, हमेशा singular noun और pronoun हो तो उसके साथ क्या करेंगे आप? Singular verbs यूज करेंगे. इसकी example में देखें आप, आपको समझ आ जाएगा. Either Ali और Aslam is going. अब is आ रहा है, helping verb कौन सा आ रहा है? Is आ रहा है. Is going to be the winner. तो इसी तरीके से आप दूसरे में देखें when neither or nor, either or आ जाए, are used in a plural form. जो plural form में आ जाएगा noun के साथ या pronoun के साथ, तो उनके साथ आप कौन से verb यूज करेंगे? plural verbs यूज करेंगे. neither the grapes, अब grapes देखें आपके पास plural है. nor the mangoes, mangoes भी आपका plural form है. अब आप यहाँ पे is नहीं लगाएंगे, आप are लगाएंगे, are sweet. तो ये आपका हो गया. इसे जो लास्ट पॉइंट आप इसका देख लेते हैं, व्हेन दे आर यूज्ड विद वन सिंगुलर एंड वन प्लूरल नाउन्स. अब जब देखें, अब इस तरह की सिचुएशन आ जाए कि उसमें सिंगुलर वर्ब है और एक जो है प्लूरल है, तो फिर आप क्या करेंगे? तो जो करीब तरीन, जो बिल्कुल करीब होगा उसको आप उसके साथ आप मैच कर लेंगे, द वर्ब मैच द क्लोजर सब्जेक्ट. जो क्लोजर सब्जेक्ट होगा उसके मुताबिक आप या तो सिंगुलर लगाएंगे या प्लूरल आप वर्ब यूज करेंगे. आप देखेंगे और से, ईदर माई पेरेंट्स और माई आंट इज अराइविंग सून. देखें ईदर माई पे, या तो मेरे इधर या मेरे वालदेन और माई आंट या आंटी इज. अब इज लगाया उसने क्योंकि जो क्लोजेस्ट सब्जेक्ट जो है वो है आंट, माई आंट, वो है सिंगुलर फॉर्म में, इसलिए उसने क्या किया? इज लगाया, अराइविंग सून. नेक्स्ट इसमें देखें, नीदर सारा नॉर हर सिस्टर्स आर एट होम. अब यहाँ पे देखें आप कि नीदर सारा शुरू में क्या है? सिंगुलर है. यहाँ पे हर सिस्टर्स, यहाँ पे आप क्या आ गया? प्लूरल आ गया. अब प्लूरल जब क्लोजेस्ट जो वो है सब्जेक्ट वो है प्लूरल फॉर्म में, तो वो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब जो है वो प्लूरल फॉर्म में यूज किया है. तो इस तरीके से ये आप स्टूडेंट्स, दिस इज आवर टूडेज लेक्चर विच इज अबाउट वर्ब्स एंड इट्स काइंड्स. होप यू मे अंडरस्टैंड इट.
if you have any question or any issue regarding our today's lecture, you can text me